स्टेटमेंट इस तरह से है अ लाइन पैरल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड डिवाइड दैम प्रोपोर्शनली हम एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे और एक लाइन ड्रा करेंगे जो थर्ड साइड के पैरल होगी और बाकी दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी पहला जो हिस्सा होता है स्टेटमेंट के बाद गिवन स्टेटमेंट के, के अंदर दो चीजें होती हैं एक होता है उसका पार्ट कहलाता है गिवन और एक होता है टू प्रूव स्टेटमेंट के अंदर हमें यह बात गिवन है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरी बात भी हमें गिवन है कि एक लाइन एल जो है वो वो पैरेलल है थर्ड साइड के और वो दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है तो हमने एक ट्राइंगल ड्रा की ट्राइंगल का नाम है ए बी सी तो हम लिखते हैं ट्राइंगल ए बी सी है लाइन एल जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी कौन कौन से पॉइंट पे कर रही है फॉर एग्जांपल यह वाला पॉइंट जो है हमारे पास ई e है ए सी के ऊपर फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं यह पॉइंट जो है C है और यह पॉइंट हमारे पास D है B पॉइंट है और यह C यानी कि यह ट्राइंगल ए बी सी है और यहां पर डी है एट ई e, ये जो लाइन एल है ये इंटरसेक्ट कर रही है ए सी को और ए बी को एट पॉइंट डी और ई e पर ये वाला जो पॉइंट है ये बी है ये सी है और ये ए है ट्राइंगल ए बी सी है लाइन एल जो है वो काट रही है पॉइंट्स के ऊपर और एल जो है वो पैरेलल है बी सी के यानी कि यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि ई डी जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है सी बी के ये वाला लाइन सेगमेंट ई डी है सी बी के टू प्रूफ अगला जो पार्ट होता है उसे हम टू प्रूफ कहते होते हैं टू प्रूफ में हमने ये बात प्रूव करनी है कि जो ए डी है और जो बी डी है और जो ए e है और जो ई e, सी है इनके दरमियान में रेशो बन रही है ए डी रेशो डी बी इक्वल है ए e, रेशो सी ये बात हमने प्रूफ करनी है स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हमने ट्राइंगल ड्रा की एक लाइन एल ड्रा की जो दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स के ऊपर और फिर हमने लिखा गिवन को लिख लिया और फिर हमने टू प्रूफ के अंदर लिख लिया अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन अगला जो इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कंस्ट्रक्शन का हमने बी को ई e के साथ ज्वाइन करना है बी को ई e के साथ ज्वाइन करेंगे और इधर C को D के साथ ज्वाइन करेंगे और यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर ड्रा होगा और यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यह हमारे पास परपेंडिकुलर है और वो हमारे पास परपेंडिकुलर है तो कंस्ट्रक्शन में हमने दो काम किए वो दो काम क्या हैं? एक तो ज्वाइनिंग की हमने फिर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए उनको लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में पहला जो काम हमने किया है ज्वाइन बी टू ई एंड सी टू डी ये पहला काम किया है दूसरा काम क्या किया है हमने ड्रा ये जो पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल एम है और ये जो पॉइंट है एल है ड्रा डी एम टू ए सी एंड ई एल परपैंडिकुलर टू ए बी कंस्ट्रक्शन में हमने दो काम किए एक तो इस इन पॉइंट्स को ज्वाइन कराया उसका काम ये किया कि ये परपेंडिकुलर ड्रा कि ये इस साइड ए सी के ऊपर ये वाला परपेंडिकुलर है और इस साइड ए बी के ऊपर ई e, एल परपैंडिकुलर है और इसको हमने लिख दिया अब हम इसको जो इसका आखिरी हिस्सा होता है प्रूफ वाला उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं स्टेटमेंट्स एंड रीजन्स उसको हम लिखेंगे अभी जो भी हमने काम ऊपर किए हैं गिवन लिखा टू प्रूव लिखा कंस्ट्रक्शन की डायग्राम ड्रा की थी ये जो चारों काम हमने किए हैं ये बेसिकली इस आखिरी पार्ट को मुकम्मल करने के लिए ही करते हैं प्रूफ को प्रूफ का जो हिस्सा है उसी के लिए बाकी सारे पार्ट्स परफॉर्म किए जाते हैं प्रूफ करेंगे इसके अंदर दो चीज़ें हैं स्टेटमेंट्स यहाँ लिखेंगे और यहाँ उनको जस्टिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ रीजंस रीज़न्स अब हमने गौर करना है इन ट्राइंगल बी ई डी एंड ट्राइंगल ए डी में ई एल कॉमन परपेंडिकुलर किधर है ट्राइंगल बी ई डी देखें ये है आपका पॉइंट बी और ये रहा आपका ई e. ये रहा आपका डी बी ई डी ये बेसिकली ओबट्यूज एंगल ट्राइंगल है अगर देखा जाए BED डी को तो ये ओब एंगल ट्राइंगल है और दूसरा जो है हमारे पास ट्राइंगल है बी ई ए या ए बी -E ये देखें किधर है ए बी -E इस अभी हम जो लिखी है स्टेटमेंट लिखी है वो हमने दो ट्राइंगल्स को रखना है एक है ए ई डी अगर ये बेस मान ली जाए तो ये परपेंडिकुलर है इसका अगर मैं आप लिए यहाँ पर इसको शो करूँ जो बात हम कर रहे हैं ए डी e, की बात हो रही है और यहां से देखें कि ई e से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है यहां पर अब अगर ये बेस मान लिया जाए और ये हाइट मान ली जाए तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो हम निकाल सकते हैं बेस इनटू हाइट और जो दूसरे ट्राइंगल हम कंसिडर कर रहे हैं वो ओवट्यूज एंगल ट्राइंगल है ऑबट्यूज एंगल ट्राइंगल है और यहां से इसकी बाहर से हाइट मयर होती है यह ट्राइंगल जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो है बी ई डी तो अब इसको देखा जाए गौर से तो यह है आपका बी ये है आपका E और यह है आपका इस इसको आप छोड़ दें फॉर द टाइम बीइंग ये B E D है ट्राइंगल इसकी ये वाली बेस बन जाती है और यह वाली हाइट बन जाती है तो इस तरह से है तो इनके दरमियान में देखें जो ई e, एल है ये इस ट्राइंगल का भी हाइट है और इस ट्राइंगल की भी हाइट है अब हम आप मजीद फर्दर लिखेंगे इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी इज इक्वल टू वन ओवर टू बेस बी डी इंटू हाइट ई एल फार्मूला क्या होता है एरिया का फॉर्मूला है एरिया वन ओवर टू बेस इनटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है बेस इनटू हाइट तो ये देखें ट्रायंगल बी ई डी ये रहा बी ई डी यह है उसकी बेस और यह है उसकी हाइट इसलिए हमने यहां पर बी डी लिया और ई एल ले लिया इसको हम कहेंगे रिजल्ट नंबर वन कह देंगे अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी इसका भी फॉर्मूला वही होता है बट इसके अंदर देखें जो बेस है वो हमारे पास है ए डी और जो हाइट है वो ई एल है बेस आ गई ए डी और जो हाइट है वो ई एल है इसके अंदर बेस को हम क्या ले रहे हैं ए डी और जो हाइट है वो है ई एल अब दोनों को डिवाइड करेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ऊपर आ जाएगा वन ओवर टू बी डी इंटू ई एल नीचे आ जाएगा वन ओवर टू ए डी इंटू ई ई एल जो सेम चीज़ें हैं कैंसल डिवाइडिंग वन विद टू हमने इसको डिवाइड किया ताकि हम अपना रिजल्ट अचीव कर सकें दिस एम्प्लाईज एरिया ऑफ ट्राएंगल बी ई डी ओवर एरिया ऑफ ट्राएंगल इज़ इक्वल टू बी डी या डी बी ओवर ए डी इसको हम कहेंगे रिजल्ट नंबर थ्री सिमिलरली अगर हम इन दो ट्राइंगल्स के लिए हमने काम किया तो बाकी जो दो ट्राइंगल्स हैं उनके लिए भी हम काम कर सकते हैं इसी वे में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी इज इक्वल टू ई सी ओवर ए ई इसको कहते हैं रिजल्ट नंबर फोर बट ट्राइंगल बी ई डी इज कॉन्वरेंट टू ट्राइंगल सी डी ई ये क्यों कॉन्वर्ेंट है इसकी रीजन ये है एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स एंगल्स Common base and same altitudes are equal. ऑल्सो गिवन दैट ये बात भी गिवन है ई डी इज पैरल टू सी बी सो आल्टीच्यूड्स आर इक्वल so from 3 and 4 bd over ad is equal to ec over ae इसको उल्टा भी सकते हैं AD Over BD is equal to AE over EC सी और अस प्रोकोल समझ लीए ऑन बोहत साइड दिस एम्प्लाइज ए डी रेशो बी डी इज इक्वल टू ए रेशो ई सी इस थ्योरम में हमने स्टेटमेंट जो हमें गिवन थी वहां से हमने गिवन के लिए कुछ चीज लिखी उसके बाद टू प्रूफ भी लिखा हमने डायग्राम ड्रा की डायग्राम में फिर हमने कुछ अमेंडमेंट्स की कुछ कंस्ट्रक्शन की ताकि हम अपनी आसानी के लिए उसको कुछ फर्दर यूज कर सकें हमने जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसका सिंपल कॉन्सेप्ट उसका जो सिंपल फार्मूला है वन ओवर टू बेस इन हाइट उसको यूज किया अगेन एंड अगेन हमने दो ट्राइंगल्स के अंदर उसको यूज किया और हमने उस रिजल्ट को ड्राइव कर लिया Thank you.